एक है रियलमी का 6i जिसकी कीमत है 13,000, दूसरी तरफ है रियलमी नार्जो 20 प्रो जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 15,000 का। तो दोनों में 2,000 का फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 13,000 तो रियलमी 6i के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें पीछे लगा हुआ है सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है। और अच्छी चीज ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में काफी हैवी चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 20 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो चार्जर आपको काफी अच्छा मिल जाता है इस मोबाइल के साथ। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है रियलमी 6i के साथ 13,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी बढ़िया ही मिल जाते हैं, टाइप सी केबल भी है बहुत अच्छी क्वालिटी की, इसी के साथ कवर भी काफी बढ़िया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्जर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 2,000 और ज्यादा खर्च करते हैं रियलमी नार्जो 20 प्रो पे तो 15,000 में उस मोबाइल के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इस मोबाइल को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स ही जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से, एक दिया गया है वैसे ही क्वालिटी के अंदर कवर, इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसे ही डेटा केबल जैसी आपको रियलमी 6i के साथ दी गई है, क्वालिटी दोनों में सेम है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, तो ये चीज भी दोनों में बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों फर्क ये है आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी हैवी चार्जर, लुक तो इसका बिल्कुल वैसा ही है 6i के चार्जर की तरह, लेकिन बहुत बड़ा फर्क ये है इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है लेकिन इसके साथ आपको मिलता है 65 वाट का फास्ट चार्जर, रियलमी 6i के साथ दिया गया है 20 वाट का, यह है 65 वाट का। तो चार्जर के अंदर बहुत बड़ा फर्क है, ज्यादा बढ़िया चार्जर आपको मिल जाता है नार्जो 20 प्रो के साथ। अब ये सारा सामान आपको दिया गया है इस मोबाइल के साथ 15,000 में। देखा जाए तो दोस्तों बॉक्स के कंटेंट्स वैसे तो एक जैसे ही मिलते हैं लेकिन एक चार्जर में ही काफी बड़ा फर्क है, बाकी इसकी कीमत भी 2,000 ज्यादा है उस मोबाइल से। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही है, इस चीज में दोनों मोबाइल्स बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन मिलता है, ग्लास डिजाइन दोनों के अंदर नहीं दिया गया, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है बैक पैनल पे। बाकी व्हाइट कलर आप देख सकते हैं रियलमी 6i का कैसा लग रहा है, व्हाइट कलर के साथ साथ आपको सिल्वर कलर का इफेक्ट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नार्जो 20 प्रो का ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन इसके भी बैक पैनल पर बहुत अच्छी मिल जाती है। तो लुक वाइज तो डिजाइन दोनों के बहुत ज्यादा बढ़िया है, बाकी क्वालिटी आपको एवरेज ही मिलती है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो रियलमी 6i में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल में आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, रियलमी 6i कैमरे को लेकर काफी अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ नार्जो 20 प्रो में भी आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 और बाकी के दो कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको इस मोबाइल में भी काफी अच्छी मिल जाती है। कैमरे के अंदर वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन इन दोनों मोबाइल्स की कीमतों को देखें तो 6i ज्यादा बेटर है, उसकी कीमत भी 2,000 कम है और इसके अंदर आपको कैमरा नार्जो 20 प्रो की तरह काफी अच्छा मिल जाता है। तो 6i में आपको कम कीमत में काफी अच्छा कैमरा दिया गया है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आया रियलमी 6i का ही। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो 6i के अंदर भी और नार्जो 20 प्रो में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एक साइज में डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंच की और क्वालिटी भी दोनों में जैसे मिल जाती है IPS फुल HD प्लस, तो इस चीज में दोनों जैसे हैं। अब डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर एक्चुअल में कौन सा मोबाइल ज्यादा अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूं। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाती है। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। दोस्तों अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं है चाहे आप 6i खरीदें या फिर नार्जो 20 प्रो। यूजर इंटरफेस मुझे दोनों ही मोबाइल्स का नॉर्मल ही लगा। बाकी दोनों में एक खूबी यह है दोनों ही मोबाइल्स की डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। ये दोनों में खूबी है। दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब डिजाइन भी आपको बिल्कुल एक जैसा ही दिया गया है, पंचोल कैमरे वाला डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर। बाकी दोस्तों डिजाइन बिल्कुल सेम है, एजेस बेजल्स लगभग बराबर ही मिल जाते हैं, साइज भी सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्ले की क्वालिटी। अगर आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले में आपको बिल्कुल एक जैसी ही क्वालिटी मिल जाती है, न ब्राइटनेस में फर्क है न कलर्स के अंदर। हल्का सा ज्यादा बेटर मिल जाता है नार्जो 20 प्रो, लेकिन दोस्तों इतना कोई खास फर्क नहीं है डिस्प्ले के अंदर इन दोनों मोबाइल्स में। दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे हैं डिस्प्ले को लेकर। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिल जाती है। दोनों ही के अंदर आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। सिम की ट्रे के ठीक नीचे आपको मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पर ही वॉल्यूम के बटन, इस चीज में भी दोनों जैसे हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है, टाइप सी पोर्ट भी आपको मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर के बटन, और इन दोनों में एक चीज ये सेम है, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है।
साइड में ही मिल जाता है, बैक पैनल पे नहीं मिलता। ऊपर की तरफ साफ देखेंगे तो प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन मिल जाता है। दोनों मोबाइल सिस्टम में जैसे हैं। अब दोस्तों रियलमी 6i के अंदर आपको 13,000 में मिलती है 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज, और 15,000 में नार्जो 20 प्रो के अंदर आपको दी गई है 6GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज तो आपको दोनों में जैसे मिल जाती है, बाकी 2GB रैम का फर्क है नार्जो 20 प्रो में आपको और ज्यादा दी गई है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो 6i के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4300mAh की, नार्जो 20 प्रो में आपको बैटरी दी गई है 4500mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, लेकिन दोस्तों बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स एवरेज ही हैं। इन दोनों मोबाइल से और ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस रेंज में, इन दोनों से ज्यादा अच्छी बैटरी वाले। तो बैटरी में दोनों एवरेज हैं, लेकिन नार्जो 20 प्रो के साथ आपको फास्ट चार्जर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो 6i के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर, नार्जो 20 प्रो के अंदर आपको दिया गया है मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर हैं तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत बढ़िया ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा हैवी यूज के लिए दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नार्जो 20 प्रो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, लेकिन आपको इतना बहुत बड़ा फर्क भी देखने को नहीं मिलता। दोस्तों प्रोसेसर के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो मैटर सबसे पहले यही करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छा डिजाइन चाहिए तो आप रियलमी 6i का ये व्हाइट कलर खरीदिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा इस व्हाइट कलर के अंदर, अगर आपके लिए डिजाइन मैटर करता है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप सस्ता रियलमी 6i ले लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी कीमत भी 2000 कम है और इसके अंदर आपको कैमरा अच्छा दिया गया है नार्जो 20 प्रो की तरह। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो भी आप 6i ही खरीदिएगा। इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी एक जैसे मिल जाती है नार्जो 20 प्रो की जैसी, तो दोस्तों आप 6i ही खरीदिएगा अच्छी डिस्प्ले के लिए भी। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर में भी 6i कम कीमत में काफी अच्छा है, ज्यादा बेटर है वैसे नार्जो 20 प्रो, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं है, आप 6i भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर दोनों एवरेज हैं, लेकिन नार्जो 20 प्रो में आपको ये चीज ज्यादा अच्छी मिल जाती है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आपके लिए फास्ट चार्जर बहुत मैटर करता है तो आप नार्जो 20 प्रो ले लीजिएगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन में नार्जो 20 प्रो एक चीज में ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर आपको एक खूबी अच्छी ये मिल जाती है फास्ट चार्जर बहुत अच्छा दिया गया है, बैटरी सही है। वहीं दूसरी तरफ रियलमी 6i में आपको चार चीज अच्छी मिल जाती है, एक तो कम कीमत में डिजाइन काफी अच्छा है, कैमरा काफी बढ़िया है, तीसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले अच्छी दी गई है, और चौथा इसके अंदर आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है कम कीमत के अंदर ही। दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बढ़िया है रियलमी का 6i, कीमत भी कम है 2000 और फीचर्स भी काफी बढ़िया दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको एक खूबी और ज्यादा ये चाहिए फास्ट चार्जर, तो आप नार्जो 20 प्रो 2000 महंगा ले सकते हैं, ये चीज इसके अंदर ही आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। तो दोस्तों आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा पसंद आया। मुझे इन दोनों मोबाइल्स में 6i ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कीमत कम है, अगर नार्जो 20 प्रो में थोड़े से फीचर्स और बेटर होते तो बहुत अच्छा रहता। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके कौन सा अच्छा लगा आपको। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।